बिहार में आपका स्वागत है। पहुंच चुके हैं तुतला भवानी धाम और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा देखने में। मैं तुम्हारा YouTube चैनल डिस्टेंस बिटवीन बाय विवेक और आज हम आ चुके हैं तुतला भवानी। तो चलते हैं हम माँ तुतला भवानी धाम। तो घर से निकलकर हम BMP पहुंचते हैं और वहां अपना बाइक लगाकर कार में बैठकर चलते हैं झरने के पास। तो मजाक मस्ती भरे मूड में हम लोग निकल चुके हैं माँ तुतला भवानी धाम के तरफ और रास्ते में हमें भूख लगती है तो खाने के लिए समोसा और चटनी पैक करा के निकल पड़ते हैं अपने मंजिल की तरफ। रोहतास बिहार का एक ऐसा जिला है जहाँ पर्यटन का असीम संभावनाएं हैं। उनमें से एक है प्रसिद्ध माँ तुतला भवानी पर्यावरणीय पर्यटन स्थान, या आप उसको इको टूरिज्म स्पॉट भी कह सकते हैं। तो चलिए प्रकृति की गोद और झरने के ठीक नीचे स्थित माँ तुतला भवानी के दर्शन करते हैं। पिछले कई वर्षों में यहाँ काफ़ी परिवर्तन आया है, विकास भी हुआ है और लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ आने लगे हैं। बिहार में पर्यटन के दृष्टिकोण से यह काफ़ी अच्छा बदलाव है। तीन तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ माँ तुतला भवानी धाम और इसके आसपास के दृश्य अत्यंत ही सुंदर और मनमोहक है। साथ ही हरी भरी कैमूर की पहाड़ियाँ इसे और भी खूबसूरत बना देती हैं। कुल मिलाकर इसे बिहार का स्वर्ग कहा जाए तो कहीं से गलत नहीं। हम इस बड़े पर्यटन बोर्ड के पास पहुंच चुके हैं और इसके आगे वाहन ले जाने की अनुमति नहीं है, तो आप अपना वाहन पार्किंग में छोड़ सकते हैं। इसके आगे का क्षेत्र वाहन के साथ दुकानों के लिए भी प्रतिबंधित है, तो आगे बढ़ने से पहले पीने का पानी और पूजा सामग्री यहां स्थित दुकानों से ले सकते हैं। माँ तुतला भवानी एक इको पर्यटन स्थान भी है, तो आगे का क्षेत्र प्लास्टिक मुक्त है, तो इस बात का ध्यान रखें कि थर्मोकोल का इस्तेमाल न करें या अपने साथ लाए प्लास्टिक की बोतल इधर उधर न फेंके। वाटरफॉल यहाँ से साफ साफ देखा जा सकता है। झरना जितना पास देखने में आपको लगता है उतना है नहीं। अगर आप यहाँ आए होंगे या फिर यहाँ आएंगे तो समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। माँ तुतला भवानी का झरना दो चरणों में होकर नीचे आता है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन जब आप झरने के पास पहुंचते हैं तो सिर्फ दूसरा चरण ही आपको दिखता है। इस पवित्र जगह को साफ सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग दें। अभी तक तो हम इतने खूबसूरत जगह पर अभी तक कभी नहीं आए थे। जितना खूबसूरत ये लग रहा है आप देख सकते हैं कि दोनों पहाड़ी के बीच से गिरता हुआ झरना। हम लोग कैमूर पहाड़ी के पास आ चुके हैं, बिहार के रोहतास जिला में। ये तिलौथू गाँव से लगभग 5 से 7 किलोमीटर अंदर आप लोग को आना है। यहाँ पहुँचते ही जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ही अद्भुत है, जो आने वाली हर किसी को रोमांचित कर देता है, चाहे वो श्रद्धालु हो या सैलानी। यहाँ पता है कि जा रहे हैं, ये झूला पुल काफ़ी देखने में इतना खूबसूरत है। और पहले यहाँ का रास्ता खराब होने के कारण यहाँ झूला पुल का निर्माण कराया गया है। और यहाँ पहुँचते ही झरने से आने वाली ठंडी हवाएं आपकी सभी थकाने दूर कर देगी। तो अब हम लोग एकदम नज़दीक पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। पहले लोग उस कुंड में नहाते थे लेकिन वो कुंड अभी बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ पे बहुत घटना घट जाता है। आपको यहाँ बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे, उनसे आप प्रसाद और अन्य खाने का सामान बचा कर रखें। हम अपने साथ खाने के लिए समोसा लेकर आए थे लेकिन आप देख सकते हैं कहाँ। तो चलते हैं अब हम लोग नहाने के लिए और पहले से ही देख सकते हैं कि आप कितने सारे लोग यहाँ पे नहा। जब आप यहां आएंगे तो एक बात का खास ध्यान रखें कि आप गंदे पानी से बचकर ही नहाएं। गंदा पानी आपको बीमार कर सकता है और भूलकर भी झरने के पास न जाएं। तो स्नान करने के बाद अब मंदिर की ओर चलते हैं और माँ तुतला भवानी के दर्शन करते हैं। माता के दर्शन के लिए सावन महीने में पूरे माह और नवरात्र में 9 दिन के लिए मेले का आयोजन किया जाता है। माता का यह मंदिर अति प्राचीन और यहाँ उनके 2 प्रतिमाएं हैं। ये मंदिर और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ मिलने वाला पहला मूर्ति शारदा माँ का 8वीं सदी की है और यहाँ एक शिलालेख भी है जो अभी तक अपठित।
लेकिन इससे यह पता चलता है कि यहाँ 8वीं सदी से पहले से ही पूजा चलती आ रही है। यहाँ मिलने वाली दूसरी मूर्ति और शिलालेख के अनुसार 12वीं सदी के राजा धवल प्रताप देव ने इसे माँ दुर्गा की दूसरी प्रतिमा के रूप में बनवाया था। यहाँ माँ दुर्गा के अष्टभुजी मूर्ति कला की सुंदर झलक है। प्रतिमा देखने से पता चलता है जैसे दैत्य महिषासुर के गर्दन से रक्त निकल रहा हो और माँ दुर्गा स्वयं उन्हें त्रिशूल मार रही हो। बारिश वाला मौसम कर दिया है, अब देख सकते हैं कि आसमान में बादल छा गया है और हम लोग काफी नजदीक हैं झरना के। आप देख सकते हैं तीन तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ माँ तुतला भवानी धाम और ये झरना, इसके आसपास की दृश्य अत्यंत ही सुंदर है। साथ ही हरी भरी कैमूर की पहाड़ियाँ इसे और भी खूबसूरत बना है। तुतला भवानी ट्रिप और हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर, तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे हम लोग। तो देख सकते हैं काफी बदमाशी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो मिलते हैं अब हम अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और देखते रहिएगा डिस्टेंस बिटवीन बाय विवेक। जय।